एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। सो गाइस, आज जो है वो शिवन्या की वैक्सीनेशन का दिन है, 6 मंथ वाली, और बहुत पेनफुल होता है यार, ये चीज़ नहीं देखी जाती है। लेकिन उससे पहले हम लोग लंच तैयार कर रहे हैं, मतलब मम्मी ने कर दिया हुआ है। ये कद्दू की सब्जी बनाई हुई है, आप देख रहे हो, और यहाँ पे ये आलू फ्राई हो रहे हैं, दम आलू बनाया जा रहा है, और यहाँ पे मैं इसका तेल डाल के तो उसको तड़का लगाने वाली हूँ। सब्जी मम्मी ने बना दी है, आलू फ्राई कर दिए मम्मा ने। बिकॉज क्या होता है ना, सुबह सुबह थोड़ा मुश्किल हो जाता है, शिवन्या को भी रेडी करना होता है, खुद भी रेडी होना होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी होती है। तो बस ये यहाँ पे धीरे धीरे फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ पे ये तड़का लग रहा है, दम आलू बना के फिर हम लोग निकलेंगे और उसकी वैक्सीनेशन करके आएंगे। बहुत पेनफुल होता है, नहीं देखा जाता है। लेकिन वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बाद में बताऊँगी, अभी के लिए ये इतना है। देखो आलू कितने अच्छे लग रहे हैं, बंद कर दिया। मम्मी से पूछना है, ये रंगदार वाली मिर्ची है, सौंफ पाउडर, ज्यादा छोटू क्या कर रहा है? क्या काम कर रहा है? बोलो, दीदी ने जो खलारा डाला ना उसको समेट रहा हूँ। तो ये हो गए हमारे दम आलू, बस थोड़ा सा वो मतलब तरी इसकी कम हो जाए, और ये हो गया हमारा कद्दू। बस अभी चावल जो है वो ये जनाब बनाएंगे, बस सब कुछ रेडी हो गया, लंच रेडी हो गया, सिर्फ चावल बनाने बाकी हैं। शिवन्या रेडी है, वो अपनी दादी के पास है, और मैं भी रेडी हूँ, और साहिल बस रेडी हो रहा है, और हम लोग निकलते हैं विद इन 5 मिनट्स।
और बस एक तो जब निकलना होता है ना, खासकर माँ लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पहले खुद रेडी हो जाओ, फिर बच्चे का सामान तैयार करो, फिर बच्चे को रेडी करो, तो ये बस थोड़े थोड़े से चैलेंजेस होते हैं जो हमें फेस करने होते हैं और हम फेस करते भी हैं। तो क्या होता है ना कि हम लोग जब भी कभी बाहर जाते हैं, खासकर मैं, तो मैं हमेशा शिवन्या का एक ड्रेस साथ में रखती हूँ, कुछ डायपर साथ में रखती हूँ, जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों का पता नहीं होता कब पॉटी करते, कब सुसू करते, तो बस इसका ये कुछ मैंने ड्रेसेस निकाल लिए हुए हैं, और ये इसके डायपर्स, और मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हमेशा साथ रखनी चाहिए, ताकि इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास सामान अवेलेबल हो। मैं तो कहाँ जा रहा है, इंजेक्शन लगवाना है। रैपर पे जो जूते के निशान बनाए हैं, इतना बड़ा पांव किस इंसान का होता है? पता साहिल, यहाँ पे गुज्जर ट्रस्ट भी है ना, आगे हो। जब मैंने गोजरी सीरियल किया था ना, हमको वहाँ ऑनर किया था, मेरे को भी एक इवेंट में बुलाया था वहाँ पे। ये देखो, ये लगी है शबील और ये है कचरा। ये है निर्जला एकादशी की शबील। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है? लड्डो की हो गई है वैक्सीन, 2 मिनट के लिए रोई से क्या देख रहा है। फाइनली हम लोग वापस आ गए हैं हॉस्पिटल से, उसको 2 इंजेक्शन लगे हैं शिवन्या को, 2 मिनट के लिए रोई, बट बहुत रोई, और जैसे मैंने उठाया वो चुप हो गई, टच वुड। और पेन तो होती है यार, कहते हैं कि पेनलेस इंजेक्शन होते हैं, बट वो जो प्रिक लगता है उसका पेन तो होता ही है ना थोड़ा बहुत, तो बट ये अच्छा लगा है मुझे कि जो कि मतलब मल्टीपल इंजेक्शन जो हैं वो एक इंजेक्शन में भर के बच्चे को लगा देते हैं, जिससे ज़्यादा पेन नहीं होती, और पेनलेस इंजेक्शन्स मुझे लगता है बहुत 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 ठीक होते हैं, ना बच्चों को फीवर होता है और ना ज़्यादा पेन होती है उनको, बस उसकी पेन तो होगी जब वो प्रिक करेंगे, बट टच वुड ठीक है, मतलब ज़्यादा रोई वोई नहीं है, और बहुत बोल्ड बच्चा है, मेरी तरह नहीं है, माँ की तरह रोत लूँ, मतलब बहुत रोती थी अपनी प्रेगनेंसी में, जब मुझे इंजेक्शन्स लगते थे मतलब मैं इतना रोती थी ना, आधा आधा घंटा मैं रोती रहती थी, तो बट मेरा बच्चा बड़ा बोल्ड है, टच छोटा छोटा छोटा। और बस अभी घर पहुंच के अभी खाना वाना खाएंगे, और दैट्स इट गाइस, हम लोग आ गए हैं वापस, खाना वाना खा के फ्री हो गए हैं, और ये मेरा गुगु है यहाँ पे, जो नीनी कर रहा था, नीनी करके अभी उठ गया ये, है ना, नीनी करके उठ गया ये। हाँ जी दीदी जी, लिया कुल्फी। केड़ी कुल्फी? ये इसको खाना है भाई, इसको खाना है। कौन सी कुल्फी है? अच्छा, जो तूने उस दिन बनाई थी। वाह, सो गाइस, ये आइसक्रीम है जो कि छोटू ने बनाई है, लास्ट टाइम जिस टाइम बनाई थी बहुत टेस्टी बनाई थी, और ये देखना कैसे देख रही हो ऊपर। हाँ जी, आपको क्या करना है, आपको कुछ बोलने हैं? सो उस दिन ये बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो मैंने इस छोटू को बोला था कि दोबारा बना के ज़रूर देना हमें। और कैसे बनाई है? बता दे यार, रेसिपी नहीं देती। अच्छा ठीक है, मैं टेस्ट करके देखती हूँ, अगर तो अच्छी हुई ना तो
हम इसे रेसिपी निकलवा लेंगे, क्योंकि मुझे वैसे भी कंटेंट चाहिए होता है। सीरियसली बाजार से लाया, खुद बनाई है? सच बोलना, खुद बनाई है। हाँ, कसम कसम है, बहुत टेस्टी है यार। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब मैं व्लॉग बंद करके पहले ये खाने वाली हूँ, बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। थैंक यू छोटी, थैंक यू। क्या बोलते हैं? यू वेलकम, बोलो। योर योर वेलकम। बहुत प्यारा बच्चा है ये, गॉडनेस। चलो, सो आज का ये सब कुछ खत्म हो गया। वैक्सीनेशन हो गई लाडू की, और वो भी रेस्ट कर रही दादी के पास, और हमने खाना वाना भी खा लिया। अभी बस मैं जाऊंगी माँ के रूम में, थोड़ा बैठूंगी और चाय वाय पियेंगे कुछ, उनको भी उठाते हैं, वो लोग शायद रेस्ट कर रहे हैं या फिर खेल रहे होंगे छोटी के साथ। तो बस अभी हम जाएंगे वहाँ पे। आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं कुछ और कंटेंट के साथ आती हूँ। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। बस अपना प्यार इसी तरह से साथ में रखना, अपनी ब्लेसिंग्स, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर जब से मैंने मीडिया ज्वाइन किया था, मेरे पहला सीरियल जब हुआ था, पहला थिएटर का प्ले किया था, आप लोगों ने उतना ही सपोर्ट किया था, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं आज जहाँ हूँ ना, वो सब आप लोगों की वजह से ही है। तो सर, कीप सपोर्टिंग, जैसे हमेशा सपोर्ट करते हो वैसे ही हमेशा से सपोर्ट करते रहना, आगे भी करना, और अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार हमेशा मेरे साथ रखना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।